আমাকে যেতেও সময়। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। राख में जीवाश्म उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी दो पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये दो पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ले ली। कारण चाहे जो हो, चार पैरों की तुलना में दो पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और वो टूट गया, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम रही होगी मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे